नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल लमार के सिविल एजुकेशन। आज डियर्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी अलग है। आज हम बात करेंगे जो हमारी रेनफोर्समेंट की बार होती है उसको हम बेंड करते हैं या एल मोड़ते हैं, कॉलम का एल लगाते हैं, फुटिंग में एल लगाते हैं, रिंग बनाते हैं, उसका जो हम बेंड करते हैं उसमें डिडक्शन कितना होता है, कैसे कैसे डिडक्शन होता है, कितना डिडक्शन होता है। ठीक है डियर्स, ये जैसे हमारी एक बार होती है, स्टार्टिंग में हमारी एक बिल्कुल स्ट्रेट बार होती है, जैसे मैंने एक आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये बार होती है, उसको जब हम बेंड करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अंदर वाली साइड क्या होगी, अंदर वाली साइड अपनी कॉम्पैक्ट हो रही है, ये वाली कॉम्पैक्ट हो रही है, लेंथ शॉर्ट हो रही है। बाहर वाली साइड आप देखोगे यहाँ से बेंड होके यहाँ तक गई है, तो क्या हो रही है, लॉन्गेट हो रही है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये लॉन्गेशन हो रही है, तो यानी कि ये हमारी लेंथ बढ़ रही है, हमारी ये लेंथ है जो हमारी बढ़ रही है, और ये वाली हमारी कॉम्पैक्ट हो रही है, ये हमारी शॉर्ट हो रही है। तो ये कितना बैंड पे कितना हमारा डी जो माइनस करते हैं, जो हमारी लेंथ कितनी बढ़ जाती है, ताकि हम जो कटिंग लेंथ है उसी हिसाब से माइनस करते हैं। ठीक है डियर्स, तो ये इस चीज़ का हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम अभी मैंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, जैसे हमारा ये 45 डिग्री पे मान लो बेंड करते हैं, हम ये जो डिग्री निकालेंगे, जैसे हमारी बार से यहाँ से शुरू हुई, ऐसे करके हमने बेंड किया है, ये कैसे भी शेप आ सकता है, ज़्यादातर खास करके फुटिंग, सो हमारी ट्रेपोजिटल अगर हमारी फुटिंग है उसकी टॉप बार अगर दे रखी है ड्राइंग में, ट्रेपोजिटल फुटिंग में, तो अक्सर ये ऐसे ही बेंड करना पड़ेगा अपने को। या बाउंड्री वाल जो होती है हमारी, बाउंड्री वाल जो रिटेनिंग वाल होती है, रिटेनिंग वाल की जो फुटिंग होती है, उस फुटिंग के अंदर इनसाइड वाला जो पोर्शन होता है, वो इनसाइड वाला पोर्शन जो होता है बॉटम का, उसमें अक्सर ऐसे ही हमारी शेप दी होती है उसकी फुटिंग की, तो वहाँ पे ये बार लगभग ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या 45 डिग्री पे है, 45 हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा 1D माइनस होगा। 1D मतलब अगर हमारी 8 mm की बार है मान लो फुटिंग के अंदर, तो 1 × 8 डाया बराबर 8 mm, यानी कि 1D 8 mm, 1 डाया माइनस होगा। अगर मान लो ये बार हमारी 16 mm की है, तो 1D माइनस होगा 1 × 16 mm, यानी कि जो हमारी कटिंग लेंथ टोटल बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके अंदर ये बैंड का 1 डाया माइनस हो जाएगा, यानी 16 mm हमारा माइनस हो जाएगा। ओके डियर्स, अब बात करते हैं, अगर मान लो हमारी ये 90 जो डिग्री पे बेंड हो रहा है, 90 डिग्री हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे, तो आप ये देख रहे हो कि जो इनसाइड वाली हमारी कॉम्पैक्ट हो जा रही है, आउटर वाली हमारी ये क्या हो रही है, लॉन्गिट्यूस हो रही है, यानी कि हमारी ये बढ़ रही है, लॉन्गिट्यूशनल बार बोल देते हैं इसको, लॉन्गिट्यूशनल साइड हो जाएगी, ये हमारी बढ़ जाती है, ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, हमारी शॉर्ट हो रही है। तो 90 डिग्री पे अगर आप बेंड करेंगे तो हमारा ये डी एस 2D माइनस हो जाएगा, 8 डाया है तो हमारा 16 mm माइनस हो जाएगा, अगर हमारा 16 mm बाहर है तो हमारा ये 32 mm जो कटिंग लेंथ है वो कम हो जाएगा। ओके डियर्स, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमारा है, अगर हम बार्स को 135 डिग्री पे बेंड करते हैं, ये कहाँ करते हैं, जो हमारा रिंग का हुक होता है, अक्सर वहाँ पे इस चीज़ को ये 135 डिग्री पे लिया जाता है, जो हुक होता है वो हुक को में से ही बेंड किया जाता है डियर्स हमारा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टिरफ का रिंग होता है वहाँ ये अक्सर अपने को ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ 3D माइनस करते हैं डियर्स। ठीक है डियर्स, ये देखिए, ये पहले आपने देखा 45 डिग्री पे थोड़ा सा कम लॉन्गिट्यूडिनल था, फिर 90 डिग्री थोड़ा और ज़्यादा था, अब ये 135 पे और ज़्यादा हो गया है, ये यहाँ से कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 3D माइनस करेंगे कटिंग लेंथ के अंदर से, वन बैंड जो आएगा, एक बैंड का 3D माइनस होगा, 3 × 8 डाया बराबर 24 mm, और ये 3 × 16 डाया बराबर 48 mm अगर बाहर हमारी है। ठीक है डियर्स, अब लास्ट की आखिरी हमारी बस्ती है 180 mm, अगर 180 डिग्री पे बैंड होता है, ये कहाँ करते हैं, ये कई बार जो हमारा कॉलम का रिंग होता है वहाँ हुक आती है, उस हुक के अंदर हम ऐसे बैंड करते हैं 180 पे, या रिंग का जो कई ऐसे रिंग होते हैं जहाँ पे हमें मोड़ना पड़ता है, या अक्सर कॉलम का जो हुक होता है अंदर उसमें ज़्यादातर ये इस तरह का बैंड दिया जाता है, तो 180 डिग्री पे अगर बैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे डियर्स अपना 4D माइनस करेंगे, क्योंकि आप देखोगे थोड़ा मैंने डिज़ाइन बड़ा बना दिया, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से बैंड हो रहा है तो बहुत ही कम हो जाएगा, इधर से ये तो कॉम्पैक्ट होगा और ये हमारा बढ़ रहा है, ये लॉन्गिट्यूशनल बार हो जाती है हमारी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी लॉन्गिट्यूशनल, यानी कि बढ़ जाएगी ये,
तो ये 4d माइनस करेंगे, ये 4 इंटू 8 डाया बराबर 32, 8 mm का सरिया होगा तो 32 माइनस होगा, और अगर 16 mm का डाया है तो हमारा ये हमारा 64 mm कटिंग लेंथ में से माइनस करेंगे। ये ओके डियर्स, ये वीडियो थी हमारी। ये कटिंग बैंड जो हमारी कटिंग लेंथ होती है, वो जो बैंड होता है उसका डिडक्शन कितना होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।